और अब उसी के जरिए सब आपकी तैयारी हो गई है। एनपीआर अगर आप लोग करवा ले जाएंगे तो एनआरसी का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जाएगा, बस उनको आपके नाम के आगे टी लगाना है। टी माने डाउटफुल, यानी कि संदेह है, शक है आपके ऊपर। तो जब भी एनपीआर का कोई कागज आपसे मांगने आए, जब भी सरकार का कोई मुलाजिम आपके पास आता है और एनपीआर के कागज मांगता है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, अपनी जमीन, अपने घर की मिट्टी उठाकर उसको दे देनी है। बोला भगत सिंह का खून इसमें है और इसमें अश्वा का खून है, दोनों का खून लाल है, वही हमारा एनपीआर का कागज है। और देख रहा है और संघर्ष कर देना चाहते हैं। तो साथियों, अभी हम लोगों को एक, मैं जो हमारे दलित बैकवर्ड लोग हैं उनके तरफ, उनके लिए भी मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है, अभी मैं बिहार गया था तो वहाँ मुझे तो थोड़ा हंसी आई सुन के, लेकिन आप बाकी मामला बहुत गंभीर है। वहाँ क्या कहा जा रहा है कई जगहों पर, अच्छा वो मियाँ जी जब जाएंगे ना, मुल्ला जी पाकिस्तान भेजे जाएंगे यहाँ से, पता नहीं भेजे कहाँ जाएंगे या नहीं भेजे जाएंगे, वो तो उस बात बात नहीं करते हैं। जब मियाँ जी को यहाँ से निकाला जाएगा ना देश से, तो वो देख रहे हो ना उनको लाल वाली इमारत, वो तुम्हारी होगी, वो कोने वाला कमरा है ना वो तुमको दिया जाएगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो मैं उस तरह के लोगों को जो इस तरह की बातों में आ रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको दूसरा सबसे बड़ा हक दिया था बाबा साहेब ने, पहला हक था वोट देने का अधिकार, और दूसरा हक आप लोगों को दिया था आरक्षण का अधिकार। और उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने जो आप हकों की लड़ाई थी, सम्मान से जीने के लिए जो आरक्षण आपको दिया गया था, आज सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज सरकार ने आपका जो बुनियादी हक था, आपको जिंदा रहने का जो हक मिला था, उसको खत्म कर दिया है। आपको क्या लगता है ये कमरों और इमारतों का आपको बेनामा करवाएंगे? तो इस तरह के मनुवादी, इस तरह के ब्राह्मणवादी, इस तरह के जातिवादी लोगों की बातों में हम लोगों को बिल्कुल नहीं आना है। सारा दलित बैकवर्ड आदिवासी मुसलमान सबको इस देश को बचाने की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अगर ये देश रहेगा तो तभी हम लोग रह सकते हैं। और मुसलमान इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को भी एक वृत्ति भर का भी सुबह नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए कि जो ये ऐलान जंग हुआ है, जो ये जंग छेड़ी गई है, इसका पहला शिकार मुसलमान है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वाकई के पहले हमले में मुसलमान मारे जाएंगे, लेकिन ये हमला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा, इसके बाद दलित मारे जाएंगे, इसके बाद भिड़े मारे जाएंगे, इसके बाद आदिवासी मारे जाएंगे। तो हम सभी लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि इस काले कानून का हम लोग कम से मुखालफत करें, हम लोग पूरी तरह से नाफरमानी करें, हम लोग पूरी तरह से इसके लिए फरमा बरकर आए, इस काले कानून को वापस करवाएं। क्योंकि याद रखिए, जब कानून और आवाम, जब कानून और आवाम जन विरोधी हो जाए तो नाफरमानी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हम लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, अपनी ड्यूटी।